क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं. द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16. तो दो नंबर्स है जिनका सम इज गिवन टू बी 16. एक नंबर अगर आप x लेंगे तो दूसरा नंबर क्या होगा? x माइनस 16. नो वे. एक नंबर x है तो दूसरा नंबर हमेशा आप 16 माइनस x ही ले सकते हैं, तभी तो हमारे पास वैल्यूज आएंगी ना. एक नंबर x और दूसरा नंबर 16 माइनस x करने पर ही आएगा, क्योंकि दोनों नंबर का सम है 16. तो ये वाली वैल्यूज जो कि आपकी यू नो हैबिट है, आप ऐसे ही लिखते हैं, इसको नहीं लेंगे. एक नंबर x लेंगे, दूसरा लेना होगा 16 माइनस x. इन दोनों नंबर्स के रेसिप्रोकल्स का सम, रेसिप्रोकल क्या लेंगे? x का रेसिप्रोकल हो गया 1 बाय x, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1 बाय 16 माइनस x. ठीक है, इन दोनों के रेसिप्रोकल्स का सम, यानी कि प्लस का साइन लगाकर हम लिख सकते हैं 1/3. बस इसको सॉल्व करते हैं. अभी हमने सीखा है कि ऐसी फ्रैक्शंस जब भी आती है हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में. 16 माइनस एक्स वन को मल्टीप्लाई करके 16 माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स वन को मल्टीप्लाई करके प्लस का एक्स हो जाएगा, और डेनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यानी 16 माइनस एक्स को एक्स से भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या लिखेंगे? 16x माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स को हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, एक्स को हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई किया. आई होप आपको ये सारी कैलकुलेशन अब तक याद हो गई है. हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस किए हैं ऑलरेडी, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही रिजॉल्व किए हैं, है ना. अब ये देखिए, यहाँ पर कुछ माइनस हो रहा है, ये हो गया ज़ीरो. न्यूमरेटर में यहाँ बचा सिर्फ 16, और डेनोमिनेटर में वी हैव 16x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1/3. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ख़त्म. ये पूरा का पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेनोमिनेटर से ख़त्म. यहाँ बचा 48 इक्वल 16x माइनस एक्स स्क्वायर 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये न्यूमरेटर में चला गया इस तरह से. अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं. ये दोनों वैल्यूज़ हम इक्वल के यहाँ शिफ्ट करते हैं. 48 यहाँ ऑलरेडी है, पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर की टर्म. एक्स स्क्वायर माइनस का था, यहाँ आके प्लस का हो गया. एक्स की टर्म जो ऑलरेडी प्लस की थी, इक्वल के यहाँ पर जब लाएंगे तो माइनस का 16x हो जाएगी. यहाँ पर ऑलरेडी प्लस का 48 है, इक्वल के यहाँ बचा 0. अब सोचिए क्या फैक्टर्स लें हम 16 के, यानी कि 16 को किस वे में लिखें कि मल्टीप्लाई करने पर 48 आए. लेट्स थिंक अबाउट इट. 12 एंड 4 लिख सकते हैं, 12 और 4, ये दो ऐसे नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 48. और अगर आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि माइनस में लिखकर ऐड करेंगे, तो फिर हमें माइनस का 16 में मिलेगा. ठीक है, तो इसको हम ब्रेक करते हैं. माइनस 16x को मैं लिख रही हूँ माइनस का 12x माइनस का 4x प्लस का 48 इक्वल्स 0. इसके आगे का पार्ट मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ. सो द इक्वेशन दैट आई ऑलरेडी हैव इज एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस का 4x प्लस 48 इक्वल्स 0. यहाँ से भी और यहाँ से भी हम कॉमन लेते हैं, इसमें से x कॉमन आने से बचेगा x माइनस 12, और इस वाले पेयर में से क्या कॉमन लें? माइनस का 4. माइनस 4 कॉमन लेने से ये तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन प्लस वाले साइन में से जब माइनस कॉमन आएगा तो माइनस का 12 बचेगा. राइट, आपको दो पेयर नज़र आ गए, एक पेयर आपका x माइनस 4 का बनेगा, सेकंड पेयर बनेगा x माइनस 12 का. तो यहाँ से हमें वैल्यूज भी मिल गए. लेट मी जस्ट रब दिस होल. तो x के दो वैल्यूज आ गई, 4 एंड 12, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट. यानी 16 के दो पार्ट्स ऐसे हैं. ठीक है, एक पार्ट हो गया 4, दूसरा पार्ट हो गया 12. So this is the required answer.